फर्स्ट ऐसा अनबॉक्सिंग देख रहे होंगे जिससे इस तरह से कुछ। तो काजल पोछा लगा रही है पूरा सा, अब जाके दिमाग हल्का लग रहा है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, आशा करते हो अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कपल लाइफ ब्लॉग में। दोस्तों, अभी सुबह सुबह का 6:30 हो रहा है और अभी अभी जो हमारे पास से जो ट्रेन जाती है अभी जा रही है, और अभी हम झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा बर्तन वर्तन धो के सारा फ्रेश हो गए हैं। और चलिए इस प्यारा सा ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और अभी सुबह सुबह में झाड़ू वाड़ू लगा लिए हैं और हमें आशा है कि आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो पर बने रहेंगे, उसके लिए सभी का जुड़ के पहले से ही तहे दिल से धन्यवाद। और इधर हमने जो अरवी का पत्ता लगाया था ना, उसमें थोड़ा सा सरसों छीट दिया है तो भी जाम रहा है सारा, अरवी के पत्ता भी लग गया है। तो चलिए देखते हैं, चाय पत्ती भी नहीं है और चाय आज 2-3 दिन से चाय पत्ती नहीं है और चाय पीने का इतना मन है हमको, क्या बताएं। और मैं झाड़ू वाड़ू लगा दिए हैं, बाइक है सर है। और आज घर में ना बहुत सारा काम है, घर को भी पोछना है और बाकस पर ना दूध भी लाई गिरा दे, उसका खोल वोल निकाल के धोना है, तो इसलिए गैस नहीं पोछे, थोड़ा साफ कर दिए, साफ था उसी पर बना लेंगे और उसके बाद सब पोछा पोछी करेंगे घर उर में। देख सकते हैं अभी दोनों नहीं हटा, हटा मानसी को दूध दे तो थोड़ा निकल दो। दोस्तों, अभी इसमें सागा प्याज काट लिए, कादरा टमाटर काटेंगे और सोयाबीन इधर फुला दिए। तो दोस्तों, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet। OneXBet एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लाइव गेम खेलकर और मैच फ्री में देख सकते हैं और आप अपने पसंदीदा टीम और खिलाड़ी के 24/7 दैनिक अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप घर बैठे रिस्क फ्री बैट लगाकर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और चिंता ना करें क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और आप इसका प्रमाण देख सकते हैं, जिसका भागीदार ब्रासिलोना और ला लीगा और सीरिया जैसे बड़े संगठन है। OneXBet से पैसा कमाने के लिए सबसे पहला कदम आपके लिए मेरे द्वारा दिए गए लिंक पे जाना है, रजिस्टर करना है और मेरे दिए गए प्रोमो कोड को यूज करना है और आपको अपना पहले जमा राशि पे 130% का बोनस मिलेगा। और हमारे नए ऑफर के अनुसार पहली बार निवेश करने पे आपके द्वारा खोया गया पैसा आपका पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा। तो इस मौके को आप खाली हाथ नहीं जाने दें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए और रजिस्टर कीजिए और ट्राई कीजिए। आलू उबाल दिए तो आलू सोयाबीन का सब्जी बनेगा ना, मस्त टेस्टी टेस्टी। क्या चाहिए बेटा? दूध चाहिए। तो बाहर निकलो पिंजड़े से। अभी 9 बज रहा है दोस्तों, अभी दोनों लोग सो के उठे। तारा अलमीरा सेट कर रही है काजल, क्योंकि ये सब लेके नहीं जाना है हमें नोएडा, इसलिए अभी से सेट कर दे रही है ना। छांट रही है मानसी। कौन डाटा बेटा? मम्मी ने डाटा। इधर देखो, दोस्तों से बोल दो मम्मी ने डाटा। अभी घर में साफ सफाई चल रही है, देख सकते हैं बेड वगैरह सब लगा दिए हैं और काजल उधर दूध उबाल रही है। मानसी काम करते करते दोस्तों हम थक गए, पूरा अलमारी सेट किए, 1.5 घंटा अलमारी में लगा, फिर सारा अलमारी में कपड़ा जो यूज करना था बाकस में रखे, बाकस। और इधर दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स भी बढ़िया से सेट कर दिए, वो वाला खोल निकाल दिए, बेडशीट ओनली बिछा दिए क्योंकि वो बॉक्स ओपन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना। बेटा पापा के लिए खाना लाने गई थी ना आप, तो खाना लाओ जल्दी से। और ये जेंट्स देख सकते हैं, बेटा खाना दो। ऐसे दूध नहीं उबाला जाता है। देखिए एक हाथ में भर भर के चूड़ी, एक हाथ में दो चूड़ी दोस्तों, तो ये सारा चोड़े नीचे गिरा था इसलिए कहीं। अब घर कितना मस्त लग रहा है ना दोस्तों, अभी पोछना है, अभी पोछा लगाएगी काजल सारा, ये पोछेंगे क्या बेटा? मानसी खेल रही है मेरे पीठ पे चढ़ के, देख सकते हैं। बाप रे बाप, पप्पी दे रही हो? ओ भाई। तो काजल पोछा लगा रही है पूरा सा, अब जाके दिमाग हल्का लग रहा है, इन्वर्टर वगैरह पोछना है बाकी अभी। तो अभी शाम हो गया और देख सकते हैं सूरज ढलने वाला है। और हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी ना जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी शिवरात्रि आने वाला है और जब हमारा पेमेंट आया था ना, तो उसी में से काजल ने एक साड़ी ऑर्डर किया था जो कि बहुत दिनों ऐसे चलते पैदल चल के अभी तक पहुंचा है जाके, कहने का मतलब बहुत दिनों बाद आया है। हाँ, तो ये आप सबको दिखाने वाले हैं और आप लोग साड़ी हम
फर्स्ट टाइम पहनेंगे। तो ये खासकर शिवरात्रि के लिए मंगाए गए थे, काजल ने मंगाया था। रेड कलर है, अब देखते हैं इसका कपड़ा कैसा है। तो चलिए अभी इसको ओपन करके आप सबको दिखाएंगे। हो बसुलिया बसुली से कटबू का बसुली थोड़ा आ रही है दम फाड़ दी। अरे बाप रे, फर्स्ट ऐसा अनबॉक्सिंग देख रहे होंगे जिससे इस तरह से कुछ कपड़ा कपड़ा अच्छा नहीं। तो ही तो ऑर्डर कर लो। 233 रुपया था। सही तो है। और कछी नहीं सुहागत लोग पहन, देखिए लिखता है ओ सदा सौभाग्य। अच्छा भगवती सौभाग्य भगवती। अच्छा है पहले मुकरना शिवरात्रि के दिन पहनेंगे इसका बिलावी हम। शिवरात्रि के लिए मंगाइए दोस्तों, शिवरात्रि पूजा बहुत ही जल्द आ रहा है ना। तो ये काफी अच्छा है दोस्तों। अभी हम कपड़ा देखे दोस्तों, देख सकते हैं काफी सॉफ्ट है। अभी ट्रैक्टर जा रहा था इसलिए और काफी सॉफ्ट है। इसका ब्लाउज पीस हम देखते हैं कहाँ, यही है हमको लग रहा है। इधर से भी खुला तो ये कपड़ा इसका एकदम सॉफ्ट है, हमको लगा जॉर्जेट होगा देखे तो। ये बहुत मस्त है। कोई भी चीज को पहले ही बोल देती है अच्छा नहीं है। चिलिया में देखने अम्मा लो 200 रुपया दिए हैं। इतना अच्छा मिल गया 200। इस पर मानसी खेल रहे थे दोस्तों, या नहीं है सारा देख सकता कैसे कैसे कर खेलिए। बेबी लाई है यहाँ पे दो अपना वो ले है पानी बॉटल। ठीक बा, तो चलिए इसका इसका ब्लाउज सिलवाना पड़ेगा है ना। क्या तारीख में है वैसे शिवरात्रि? 18 तारीख। तो दोस्तों 18 तारीख को पहने ही काजल शिवरात्रि है और यहाँ पे मेला भी लगता है। हो सकता है काजल को मेला घुमा दें इस बार। पूजा कर जाइए। ये नास्ता लागे ना बाय कलर का अस्तर। पहन नहीं रही है, लेके बस हाथ में लेके घूम रही है उसी टाइम से। चेक कर जा रही है कैसा लग रहा है। और दोस्तों मानसी देखिए कैसे सो गई है। टीवी वाला जो बोर्ड है ना इसको अभी निकाल दे रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे हैं निकालने के लिए। और ये साड़ी आप लोग को कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। लिखा हुआ है इसके बॉर्डर पर खाली, हम इसीलिए लिए थे। और इसका कपड़ा भी बहुत एकदम सॉफ्ट है, आप गर्मी में भी एकदम हल्का पहन सकते हैं। देख सकते हैं क्या लिखा है जी, सौभाग्यवती भव। सदा सौभाग्यती, सदा सौभाग्यवती भव। इसका मतलब ये होता है हमेशा सुहागन रहो है ना। मानसी जब सो जाती है ना तो मन नहीं लगता है मेरा, इसलिए बार बार जगाते रहते हैं। अब देखो जगी बेटा, बापरे बापरे। मैं झूठ मूठ कैसे बोला, मम्मी ने मारा था। तुरंत उठ गई, पूछ रही क्या त्या पापा त्या बेटा। तो रोटी खाओगे आप? अरे हम जैसन अभी खाना पीना सभी लोग खा लिए हैं और मेरा जो काम है डेली का वो अभी कर रहे हैं। मानसी के लिए दूध अभी थोड़ा गर्म कर रहे हैं, काजल के लिए चाय बना के दे रहे हैं। देखिए उठा भाभी मच्छरदानी, देखिए कैसे चाय पी रहे हैं कुतुल। और चलिए हम अपना भी पी लेते हैं। हमारा कहाँ गया कसोल? खाली छींके ली कुतुल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और यह है नेक्स्ट डे, अभी सुबह का 8 बज रहा है। आज खाना बनाइयो, जा रहे हैं भुजिया रोटी बनाने। चाय बना दे, बुखार लग गया दोस्तों पूरा। चल बहुत अच्छा निकला है, कल भी तो धूप हुआ था बहुत अच्छा। अभी सब्जी में कुछ नहीं है तो आलू का सब्जी सिर्फ बन रहा है। का तो गिर गया था हम का। तो अभी सब्जी भी लाएंगे शाम को क्योंकि इस टाइम मार्केट नहीं लगता है। इस टाइम मार्केट में सब्जी भी नहीं मिलता है ना। अच्छा अच्छा शाम को बाजार लगता है तो उस टाइम लाएंगे। कल याद ही नहीं आया, कल हम किसी काम में बिजी हो गए थे। तो मानसी अभी उठ गई है और उठते उठते क्या कह रहे, क्या चाहिए बेटा? पानी पूरी चाहिए। ये जरूर सपना अपना देखिए। पानी पूरी चाहिए आपको? रोटी खानवा, तेल रोटी।
तेल रोटी मानसी खाती है अब। मानसी को सबसे ज्यादा पसंद इस टाइम आ रहा है नमक तेल और रोटी। जैसे कि नमक तेल ऐसे दिबोर के नहीं खाते हैं, चपेट के वैसे ही हम भी बहुत ज्यादा बचपन में खाए हैं वैसे। दो दिन से इसलिए रोटी भी बेकार। मानसी को पानी पूरी चाहिए, नमक तेल रोटी चाहिए। खटला गिर गई। ललन का बेबी सो रहा है। का हमरा पकड़ा के चलिए लो। ललन चप्पल पहनेगी, शूज बिल्कुल। बना रही हो बेटा? ये मानसी इसमें का सारा ड्राइंग बना देती है। अभी पांच वो सारा लिख लेती है, पांच छह ये सब बना लेती है। अभी बना रही थी भैया, बोल रही थी बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। ये मैथ हो गया मम्मा, मैथ हो गया। इधर पांच पता ना क्या क्या बनाई थी, मिटक भी जा रहा इतना जल्दी। चलो बनाओ बनाओ। मैं सारा बनाई थी, इस टाइम मिटक गया। खींच ले बेचारी के, इतना करी अब मिटका देती है तड़म से। अभी ना बनी, नहीं बना अभी। नीचे देखो, ऐसे दिमाग डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे पांच बनाई थी, छह बनाई थी, ऐसे मतलब उस पर रिपीट करना होता है। मतलब राइटिंग आप सब समझ ही सकते हैं, इसका एड वगैरह भी आता है, राइटिंग वगैरह सारा सही हो जाएगा। ये वन टू तरह सारा लिखना चाहिए। उस तरह लिख रहे फिर मिटका रहे। एबीसीडी भी दिया। और बहुत जल्द माल से स्कूल जाने वाली है, तो आप सबको देखने को मिलेगा। देखो फाइव 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 घड़ी में चले फाइव फाइव। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे और आप सबसे लेना चाहेंगे विदा, क्योंकि अभी कुछ ऐसे इशू की वजह से ये वीडियो अभी एंड कर दे रहे हैं। नहीं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि हाँ, और वीडियो जो है अभी देना है, अभी 11 बज रहा है और आज ही ये वीडियो लाइव होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में एंड कर दे रहे हैं। बाकी सब चीजें हैं जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप सब यहाँ तक हमारी वीडियो को देखे उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और चलिए मिलते हैं आपसे एक प्यारा सा व्लॉग के साथ, तब तक लिए चैन टेक केयर, बाय बाय।